بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء जो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं, जो तालीम हासिल करके जाना कह रहे हैं उन्होंने लाया है, और डॉक्टर इंजीनियर की एक लाइन रखी हुई है जिनकी बेस जो है वो दारा के स्कूल है। तो इसके अलावा मैं अपने दारे में शामिल करवाऊंगा दारा एक्शन शाहपुर का। दारा एक्शन शाहपुर की ये जो बिल्डिंग जिसके इस वक्त हम मौजूद है, ये अभी हमने एक तालीमी साल जो है वो बिल्डिंग के अंदर गुजारा है, और अंदर का जो बस्ती जो है वो हमारी बिल्डिंग है। आपको यहाँ पे नजर आएगा जी, ये जो है वो दारिया का हमारा जो फ्रंट गेट है जिसको मेन गेट है, और शाहपुर का इंट्रोडक्शन है हम इंशाल्लाह एंड पे देंगे। उससे पहले कुछ बातें जो आप लोगों से डिस्कस करनी है, आप लोगों के पास एक एक पेज मौजूद है, सबके पास वो जरा पेज अपने सामने रखें। सबसे पहला पॉइंट, टेस्ट सेशन और इम्तिहानात के दौरान छुट्टी की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। गैर हाजिर होने की सूरत में बच्चा या बच्चे को इस पेपर में फेल तसव्वुर किया जाएगा। अब देखें, जो पेपर होते हैं ना उनमें बच्चे का आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बच्चा पेपर में अपीयर नहीं होगा तो उसका नुकसान होगा, वो पेपर में फेल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो पेपर के अंदर गैर हाजिरी है वो आप वालदैन की जिम्मेदारी है। अब देखिए, मोहल्ले के अंदर अगर एक फोर्सी भी होती है ना तो हमारे पास कॉल्स आ जाती हैं कि हमारे मोहल्ले के अंदर फोर्सी हुई है, तो लिहाजा बच्चे को छुट्टी दे दें। तो अब देखें, एक मोहल्ले में अगर फोर्सी हुई है तो उसमें मेरे ख्याल से एक जो बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है उसका कोई काम नहीं है। मोहल्ले के अंदर अगर कोई शादी हो जाए तो स्कूल टाइम के बाद में भी मेरे ख्याल से वो उसमें शरीक हो सकता है, कि उसके लिए लाजमी नहीं होता कि स्कूल से जो है वो छुट्टी ही करवाई जाए। इसके अलावा जो स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं या टेस्ट होते हैं ना, उनको काइंडली जो है इम्पोर्टेंस दिया करें। मोस्टली जो देखने में बात ये आई है
कि जो हमारे स्कूल के एग्जाम होते हैं जैसे कि फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, प्री बोर्ड है, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ये कहा जाता है कि चलो ये बोर्ड का भाई जो है वो एनुअल एग्जाम है, तो उनको जो है वो इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का नुकसान होता है। अगर उन्होंने कोई चीज़ ले लिया, आप में से कोई उनको छोड़ने आता है या उनको जो रक्षा वाला छोड़ने आता है, वो जरा जल्दी छोड़ जाए और असेंबली टाइम से पहले जो है वो कैंटीन पे जो है वो बच्चा आपका कोई चीज़ अगर उसने कॉपी पेंसिल वगैरह लेनी है वो जो है वो असेंबली से पहले पहले जो है उसको परमिशन होगी, उसके अलावा उसको कैंटीन पे जाने की परमिशन नहीं होगी ब्रेक के अलावा। पॉइंट नंबर 3 देखें, तमाम तलबा तलबा पर वक्त की पाबंदी लाजिम है, लेट आने की सूरत में जुर्माना आएगा होगा। अब देखिए हमारा ये सारे रूल बनाने का मकसद एक ही है कि आपके बच्चे जो है एक तो वो उनका ब्राइट फ्यूचर बने और दूसरा ये है कि वो सेफ रहे स्कूल में आके। अब देखा यहाँ पे ये क्या है कि जिन रक्षा या वैन के ऊपर आप बच्चों को भेजते हैं, मैंने काफी बच्चों का ये नोट किया है कि रक्षे वाले उनको मेन रोड के ऊपर उतार के जा रहे होते हैं। देखिए आप लोग उनको पैसे देते हैं, इसी बात के पैसे देते हैं कि वो स्कूल पे छोड़ के जाए, उनको स्कूल के गेट पे छोड़ के जाए और यही से उनको पिक करके घर ले जाए, आप इसी बात को उनको पैसे देते हैं ना। अब देखिए एक अगर बच्चे को रक्षे वाला जो है वो मेन रोड पे उतार के जा रहा है, अब बच्चे ने वहां से पैदल यहाँ तक चल के आना है और यहाँ से छुट्टी टाइम चल के पैदल जाना है और आने जाने के दौरान आपको पता है कि स्कूल टाइमिंग में बहुत ज्यादा रश होता है रोड के ऊपर। देखिए अब बच्चे के साथ कोई हादसा हो सकता है, इसलिए अपना जो अपने बच्चे के लिए रक्षा या वैन वगैरह लगवाई है उसको एक बार ये समझा दें कि वो स्कूल के गेट से ही बच्चे को पिक करे और यहीं पर उतार ले जाए। और दूसरी एक और बात, रक्षे वाले क्या करते हैं कि बच्चे को कह देते हैं कि आप छुट्टी टाइम जो है वो बाहर निकल के खड़े हो जाना। हमने वहाँ पे बकायदा जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम इसीलिए बनाया है कि आपके बच्चों की सेफ्टी रहे। अंकल वहाँ पे बैठे होते हैं छुट्टी टाइम, माइक में आवाज दे रहे होते हैं हर बच्चे को और बच्चे को बुला रहे होते हैं। रक्षे वाले ने क्या किया हुआ है कि आपके बच्चों को ये कहा हुआ है कि आप छुट्टी टाइम जो है वो बाहर निकल के गेट से बाहर निकल के खड़े हों और हम आपको लेने आने को, उनसे इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अंकल को बच्चे का नाम बोले, अंकल बच्चे को बुलाएं, बच्चा फिर अंदर से बाहर गेट से बाहर जाए। आइंदा के बाद इंशाल्लाह जो है जब तक बच्चे का नाम नहीं बोला जाएगा बच्चा स्कूल से बाहर हम नहीं भेजेंगे छुट्टी के बाद भी। तो ये बात अपने जो है वो बहन वाले और अच्छे वाले जो है आपके बच्चे को जो लेके आते हैं ये बात उनके माइंड में बिठा दें कि आपने आके अंकल को बिठाना है और दूसरा ये अंकल को बताना है नेम और दूसरे के मेन रोड पे ना उतारे जाए। तकरीबन जो है हमारी इंस्पेक्शन जो है हमारी बिल्डिंग में तकरीबन 30 से 40 बच्चे ऐसे हैं जो कि उधर रोड पे जाके रक्षे वालों को ये बात समझाएं और सुबह टाइम जो लेट लेके आते हैं वैन या रक्षे वाले तो उनको जो है वो ये बताएं कि स्कूल टाइम पे पहुँचाएं बच्चे को, अदरवाइज जो है वैन या रक्षा चेंज कर लें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, तलबा के लिए कैडेट कटिंग लाजमी है ताकि बच्चा मुकम्मल तौर पर कार्पेटिंग करे। देखिए और भी कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं, पिछले दिनों एक वाक्य हुआ है शहर के अंदर कि एक बच्चा जो है हाई स्कूल में वो पढ़ता था, घर वालों को ये होता था कि वो स्कूल जा रहा है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता था और तकरीबन 15 से 20 दिन बाद जो है उसके पेरेंट्स जो है वो स्कूल आए, वैसे ही वो स्कूल आके उसकी रिपोर्ट लेने के लिए, तो पता ये चला कि आपका बच्चा जो है वो 20 दिन पहले से स्कूल नहीं आ रहा। पेरेंट्स का ये कहना था कि वो तो डेली घर से स्कूल जाता है लेकिन फिर पता ये चला कि वो बच्चा उस वक्त तक नशे में लग चुका था, 10th क्लास का बच्चा था। अब ये देखिए इस तरह के वाकयात, अल्लाह ताला हमें बचाए ऐसी चीज़ों से, ऐसे वाकयात हो जाते हैं। अब बच्चा आपको घर में ये बता के आए कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल ना पहुँचे तो इस चीज एक मंथ में अगर बच्चा 4 दिन एब्सेंट होता है तो वो ट्रकअप हो जाएगा 4 दिन बगैर इतला के। इतला के साथ आप लोग वो छुट्टियाँ जो है वो अलाउ, वो भी जो है वो एक खास उनकी पेज जो है वो तादाद होगी, मतलब ऐसे नहीं कि बहुत लगातार छुट्टियाँ करता रहे, एक महीना उन्होंने इतला दे दिया, ऐसी बात ऐसा काम नहीं करना।
चार दिन लगातार बगैर इतला के अगर बच्चे ने छुट्टी की है तो उसको ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा और जो स्कूल की एडमिशन फीस है वो आपको दोबारा से जो है वो देना होगी और देना लाजिम होगी अगर दोबारा एडमिशन करवाया। और दोबारा एडमिशन भी जो है वो सिर्फ दो दफ़ा आपका होगा, तीसरी दफ़ा दोबारा एडमिशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। स्कूल में पंजाबी बोलने की हरगिज़ इजाज़त ना होगी। मैंने फिर बात एक दो रातों के बच्चे का यहाँ आने का मकसद यह है कि वो शोर हासिल करे। तो बेशक हमारी मादरी जुबान है, कई लोगों को इस बात पर इतराज़ भी होगा कि हम पंजाबी बोलने से मना क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक सकून का माहौल है। हमने इस माहौल को बरकरार रखना है, बच्चे को मुअद्दब बनाना है ताकि वो आप लोगों का भी एहतराम करे और वो हमारा भी एहतराम करे। तो इस वजह से जो है वो उर्दू एक अच्छी लैंग्वेज है, तो इसको जो है वो बच्चे अपनाएं और इसी में गुफ्तगु करें उर्दू जुबान में। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, टीचर्स के साथ पढ़ाई के अलावा किसी किस्म की बातचीत करने की इजाज़त ना हो। मोस्टली जो है वो घर से टीचर के लिए पैगाम बच्चे के हाथ में जो आया जाता है, तो आपको अगर टीचर से कोई शिकायत है या आपने टीचर से किसी किस्म की कोई बात करनी है तो आप खुद स्कूल तशरीफ लें या कॉल कर लें और टीचर से आप खुद बात करें। बच्चे के हाथ जो है वो पैगाम ना भिजवाएं। बच्चा जो है वो क्लास में पढ़ाई के अलावा जो है वो टीचर से किसी किस्म की बात नहीं कर सकता, ये हमारे दायरे रकम का रूल है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ाई की प्रॉब्लम है, टीचर से जितने मर्जी क्वेश्चन करें उसमें कोई उपाय का नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने खुद बात करनी है, मतलब बच्चे के आप पैगाम ना भिजवाएं, आप कॉल कर लें या खुद तशरीफ लें स्कूल में। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक के दौरान तमाम तलबों के बाद एक लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे और नज्म और ज़ब्त का मुकम्मल ख्याल रखेंगे। यहाँ पे एक बात ये देखी गई है कि बच्चे जो हैं वो भागते हुए कैंटीन की तरफ जा रहे होते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी इस बात को कंट्रोल करेंगे और आप लोगों ने भी अपने बच्चों को ये बातें समझानी है। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। बच्चों की दुनियावी तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल के साथ साथ काम करें। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, असम्बली के अंदर बच्चों से बाकायदा कलमे नमाज और नमाज का तर्जमा जो है वो सुना जाता है, और मोस्टली बच्चे जो है वो हमारे ऐसे हैं जिनको कलमा तक नहीं आता। इंतहाई अफसोस के साथ ये बात मैं कह रहा हूँ, हमारे कई बच्चे ऐसे हैं, तो ये कहा कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कलमा तक नहीं आता। तो हमने ये काम करना है, इंशाल्लाह हमको ये जो है दीनी तालीम की तरफ भी लेके आना है, तो इसलिए भी आपका ताउन जो है वो हमें दरकार है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गैर निसाबी सरगर्मियों से बच्चे के इतमाद में इजाफा होता है, इस सिलसिले में साथ के साथ ताउन करें। गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो है वो दारकम जो है वो शुरू से उनको अहमियत देता आ रहा है। आप देखें कि हमारा स्पोर्ट गाला हुआ करता था, 3 दिन का तकरीबन हुआ करता था, इस साल जो है वो कोरोना की वजह से जो है वो हमारा स्पोर्ट गाला जो है स्किप हो गया। तो इंशाल्लाह हम जो है ये जैसे ही सूरत हाल सही होती है, कोरोना वाला मसला जो है वो ख़त्म होता है, तो हम इंशाल्लाह इसकी तरफ भी आएंगे और हम इंशाल्लाह जो है ना एक क्रिकेट बोर्ड अपना बना रहे हैं अपने स्कूल का, जिसमें आप लोगों का तावन भी दरकार होगा। उसके लिए हमें इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी सी फीस फ्री रखेंगे बच्चों की, जो कि आप लोगों से हम लेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आप लोगों ने हमसे तावन करना है, क्योंकि एक इदारा है, एक इदारे का जो सरबरा है वो अकेला सारे काम नहीं करता, आप लोगों के तावन से सारे काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। बच्चियों के लिए सिर्फ काले स्कार्फ की इजाज़त होगी। अब देखिए बच्चियों जो आजकल मैंने देखा है असेंबली के अंदर भी, बच्चियाँ जो है वो उनके स्कार्फ जो है वो एक जैसे नहीं होते, किसी का वाइट, किसी का ब्लैक, किसी के दूसरे कलर जैसे कि कैजुअल कलर्स होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सब में बराबरी पैदा हो, तो इसलिए बच्चियों के जो स्कार्फ होंगे वो सबके ब्लैक कलर के होंगे, सादा बिल्कुल, उस पर कोई किसी किस्म का डिज़ाइन नहीं होगा, कढ़ाई वगैरह नहीं होगी, तो बिल्कुल सिंपल जो है वो ब्लैक कलर के उनके स्कार्फ होंगे। तो इसमें भी आप लोगों ने ताबुन करना है, आप लोगों को कुछ टाइम दे देते हैं, हम एक वीक का टाइम दे देते हैं, आपने एक वीक के अंदर ये काम
कंप्लीट करना है। अगर किसी आप जैसे किसी के बच्चे के पास जो है वो ब्लैक स्कार्फ नहीं है उसको ब्लैक स्कार्फ लेके दें, ताकि स्कूल के अंदर जो है वो बच्चे को ये फील हो कि बाकी भी जो है वो मेरे जैसे ही है और हम सब जो है वो बराबर है। नेक्स्ट करते हैं जी, तमाम बच्चों का लंच ब्रेक टाइम से पहले पहुँचाना चाहिए। ब्रेक टाइम के बाद लंच देने और करने की इजाज़त नहीं होगी।